लास्ट टाइम YDSC के अंदर दो वेव्स हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमने किया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने किया, और मैक्सिमम मिनिमा की या कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये कंडीशन बनाई हमने। उसके बाद हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के बाद आर मैक्स का फॉर्मूला निकाला, आर मिनिमम निकाला, और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव से हमने रेशियो निकाली थी आई मैक्स और आई मिनिमम की, ये रेशियो निकाली। इसके बाद हमने क्या किया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली। तो अभी आप ये फॉर्मूला बुकलेट में एक और फॉर्मूला नोट करें, फॉर्मूला बुकलेट में एक और फॉर्मूला नोट करें। अगर मान लो आपके पास ये स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स हैं YDSC के अंदर, ठीक, YDSC के अंदर दो स्लिट्स हैं, एक की विड्थ W1 है और एक की विड्थ W2 है। जितनी बड़ी विड्थ होगी लाइट की इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा निकलेगी, तो विड्थ प्रोपोर्शनल टू I1 है और ऐसी विड्थ दूसरी प्रोपोर्शनल टू I2 है। तो यहाँ से W1 बाई W2 इज इक्वल टू I1 बाई I2, और हमने किया था इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है। तो ये आपके पास रेशियो आ जाएगी विड्थ की, इंटेंसिटी की और एम्पलीट्यूड की। कभी कभी वो जानबूझ के इंटेंसिटी की रेशियो देने के बजाय विड्थ की रेशियो दे देता है, तो अंडरस्टूड है वो इंटेंसिटी की रेशियो है, अंडरस्टूड है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की रेशियो है, न्यूमेरिकल में कभी काम आ जाएगी।